Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here, that is from class 9, and chapter is here, Poverty as a Challenge. Part 2 hai iska. Part 1 hum logon ne pehle kiya tha. And I hope that you are remembering that all points and the whatever the remaining things we are living on that time, we are going to cover here. So, in that lesson, we got the information about all the points, ki what is the poverty, what are the reasons of poverty, how the economics or the social scientists they think about the poverty. Aaj we will discuss about global poverty. Global means whole world. Aisa nahi hai ki garibi keval Hindustan mein hai, garib sare jagah pe. Aur har jagah ki garibon ki ek hi kahani hai ki garibon ko wahi sari facilities provide nahi hoti hai, wahi sari facilities नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका, करीब एक जैसे ही। अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेवलप्ड कंट्रीज की गरीबी की, जो कंट्रीज अपने आप कहते हैं कि हम तो बहुत डेवलप है, हम बहुत पैसे वाले हैं, ये है वो है, तो उनके यहाँ पर भी जो गरीबी है वहां पर क्या होता है कि लेस देन $1.25 पर डे इंसान नहीं कमा पाते, ठीक है। हाँ, कंपेयरिंग अलग है कि वहां की पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट कुछ और है, हमारे यहाँ का पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट कुछ और है। वी आर कंपेयरिंग द पुअर पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ अर्निंग वट एवर दे आर अर्निंग, बट इन द अमेरिका दे आर कंपेयरिंग विद द फैसिलिटीज, द पीपल द पर्सन दोज दे आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ द फैसिलिटीज दे कॉल द पुअर, उनको गरीब कहा जाएगा नहीं। तो डिफरेंसेस पैमाने में है, नापने में है, मेजरमेंट में। बाकी गरीब तो गरीब है जी, कहीं का भी हो, ठीक है। चाइना की बात करते हैं, चाइना में कभी आज से 15-20 साल पहले 85% गरीब लोग हुआ करते थे, जो उसने लेके आया 14% पे, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो चाइना है उसने अपनी गरीबी पॉवर्टी को कितना कम कर दिया। कैसे? उसको पता था ह्यूमन रिसोर्सेज नाम की चीज होती है, अगर हमारे देश के पास पॉपुलेशन है, अगर हमारे देश के पास जनसंख्या है, तो उससे क्या किया जाए, काम लिया जाए। उसने क्या किया, अपने देश के लोगों को वर्क दिया, काम दिया, ताकि सभी लोगों को काम मिल सके, सभी लोग पैसा कमा सके, और साथ ही साथ हमारे देश का, कंट्री का जो विकास है वो भी आगे बढ़ता जाए। तो आप देख सकते हो हाउ द चाइना हैज बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और मार्केट हर जगह, ठीक है। तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई, स्किल्ड दे दिया, हेल्थ दे दिया, एजुकेशन दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद वर्क दे दिया जी करो, और हिंदुस्तान इस मामले में बहुत पीछे रह गया चाइना से। लगभग लगभग एक साल से शुरुआत हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन, इट्स माई पर्सनल व्यू, इट्स नॉट रिटन इन द बुक, ये मेरे पर्सनल विचार है, किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी की, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि हम लोग काफी पीछे रह गए, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, किसकी, विकास की पॉलिटिक्स नहीं करनी, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें रिलीजन की पॉलिटिक्स करनी है, हमें कास्टिज्म की पॉलिटिक्स करनी है, हमें भाषा की पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, इसीलिए हम पीछे हैं। अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्री की, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, तो इन सभी जगहों पर रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में गरीबी नीचे नहीं आई है, गरीबी नीचे आई है पर बहुत कम। चाइना 85 से 14 पे पहुंचा था, हिंदुस्तान 85 से 70 पे पहुंचा, ये 15 बचे हैं, हमने 15 कम किए परसेंट में, तो ये फर्क। और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबका भी यही हाल है, भले श्रीलंका का हमारा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सब सहारा डेजर्ट की, वहां पर भी वही हाल है, सब सहारा डेजर्ट के अंदर भी कुछ खास डिक्लाइन नहीं हुआ गरीबी के अंदर, जो 20 साल पहले था आज भी वैसा है। टुडे वी आर हैविंग द इलेक्शन इन द बिहार, बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, फिर भी आप टीवी देखो क्या दिखाता है, डेवलपमेंट नहीं, 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 फैसिलिटीज नहीं, 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 चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टियां डेवलपमेंट कर रही है किसका, शायद अपना देश, राज्य, पीपल उनके दायरे में नहीं आ, ठीक है। कॉज ऑफ पॉवर्टी, अगर हम कुछ डीपली स्टडी करें कॉज ऑफ पॉवर्टी का, तो हम पाएंगे कि आखिर ब्रिटिश कॉलोनियल इफेक्ट, जो कॉलोनियल इफेक्ट था ब्रिटिश का हमारे देश में रहा, यानी हम गुलाम थे, तो उसका बोझ चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, हेल्थ पे हो, एजुकेशन पे हो, एम्प्लॉयमेंट पे हो, उसकी वजह से हम पीछे रह गए गरीब।
क्योंकि उन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया और रिसोर्सेज का यूज ज्यादा कर लिया। फिर बात करते हैं इनकम इनक्वालिटी की। हमारे देश के अंदर सभी लोगों को प्रॉपर वे में इनकम नहीं मिलता, कोई 1 करोड़ कमाता है तो कोई 1 रुपए भी नहीं कमाता, तो ये जो गैप है बहुत ज्यादा है, इसको दूर करना पड़ेगा। और ये आज दूर नहीं होगा, 1947 से जो गैप है ना, ये कम होने की वजह लगातार बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गरीबी रहेगी ही। इसके कारण मैं पहले बता चुका हूँ, वही हेल्थ, एजुकेशन, वर्क, जो भी है, सोशल कल्चर। एक तो हमारे देश का सोशल कल्चर ऐसा है कि अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग फेस्टिवल, घर में खाने के लिए नहीं होगा पर फिर भी त्यौहार मनाएंगे हम लोग, शादियां होती है हमारे यहाँ पे, देखो कितने पैसे खर्च होते हैं, दहेज दो, ये लो वो लो, भले गरीब आदमी है उसके पास पैसा हो ना हो पर शादी करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा पैसा खर्च करना पड़ेगा, भले वो ब्याज पे लाए लाना पड़ेगा। तरह तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, तो उसमें भी कल्चर ही ऐसा गरीब और गरीब हो जाता है। और है फार्मिंग जो है, जो मेथड्स हैं वो पुराने हैं, आज भी बैलों से खेती होती है, बारिश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं है, ठीक है, टेक्निक टेक्नोलॉजी का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, ठीक। उसके बाद वर्क फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एंड सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने बहुत कोशिश की, प्रोग्राम लाया, वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया नहीं किया गया भी तुम्हारे ऊपर। बात कर लेते कुछ प्रोग्राम्स के, एक्सप्लेनेशन बाद में दिया जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग द नेम्स हियर। गवर्नमेंट वर्क्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम था ठीक जो लेके आया गया, जिसमें फर्स्ट था AAY, अंत्योदय अन्न योजना, सेकंड प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, गांवों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम लाया, और हमारे सारे गांव कितने एम्प्लॉयमेंट में है मुझे बताने की जरूरत नहीं, पैसा कहाँ गया, प्लान क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ मुझे नहीं पता। फिर है PMGY प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, फिर है SGSY ये भी प्रोग्राम था, फिर है मनरेगा या फिर MGNREGA जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, तो ये सारी चीजें हैं जो है, तो उसके लिए ये सारे प्रोग्राम्स हमारे देश में आए, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको कुछ रीजन है, तो आप उसको डिस्कस कीजिए, समझिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोग्राम।